Om Shanti. Pyara Baba, हमें इशारा दे रहे हैं कि समय के अनुसार संपन्न बनो और संपूर्ण बनो. और संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए आवश्यकता है ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को बढ़ाने की, क्योंकि हम बाबा के पास आए हैं आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए. सारे कल्प में केवल एक ही बार हमें चांस मिलता है आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए. तो संपूर्ण बनना अर्थात बैटरी को फुल चार्ज करना. तो सबसे पहले ये बात समझने की है कि आत्मा रूपी बैटरी चार्ज कैसे होती है और आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज कैसे होती है. जैसे हम देखते हैं बल्ब में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है पावर हाउस से, वो इलेक्ट्रिक वायर के माध्यम से आती है और जाती है. वायर ये माध्यम है. तो ऐसे आत्मा में शक्तियां परमात्मा जो स्पिरिचुअल पावर हाउस हैं, वो शक्तियां आने का माध्यम है संकल्प. संकल्प के द्वारा शक्तियां आती हैं और संकल्पों के द्वारा शक्तियां खर्च होती हैं. बाबा हमेशा कहते हैं मन मना भव का मंत्र का जाप करते रहो. मन मना भव अर्थात संकल्प शक्ति से बाबा को याद करना. तो वर्तमान समय हमारे मन में चार प्रकार के संकल्प चलते हैं. पहला है पवित्र संकल्प. जब हमारे मन में बाबा के प्रति संकल्प चलते हैं तो उन पवित्र संकल्पों के माध्यम से आत्मा में शक्तियां आने लगती हैं. दूसरा है कर्म करने के लिए संकल्प, जिससे हमारी थोड़ी थोड़ी ऊर्जा आत्मा की खर्च होती है. तीसरा है व्यर्थ संकल्प. अगर कोई काम हम करते हैं उसके लिए बार बार संकल्प करते रहते हैं तो उन व्यर्थ संकल्पों के द्वारा आत्मा की ऊर्जा बहुत वेस्ट होती है. और चौथा है नकारात्मक संकल्प, नेगेटिव संकल्प, जिससे आत्मा की ऊर्जा बहुत नष्ट होती है. अभी हमें 16 कला की ओर पहुंचना है, संपूर्णता की ओर पहुंचना है. तो क्या करना होगा?
सबसे पहले व्यर्थ संकल्पों के लीकेज को स्टॉप करना होगा. उसकी तीन युक्तियां हैं. पहली युक्ति है स्वयं को आत्मा समझना और जिसको भी हम मिलते हैं उनके ब्रुकुटी पर फुल स्टॉप लगाना, आत्मा देखना. अगर फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं तो हमारे मन में यूं ही व्यर्थ संकल्प चार पांच चल पड़ते हैं उस व्यक्ति के प्रति जिसकी आवश्यकता नहीं होती है. दूसरी बात, व्यर्थ संकल्प को कंट्रोल करने के लिए ड्रामा की बिंदी को यूज करते रहें. कोई भी सीन ड्रामा में आती है, अप्रिय घटना है या प्रिय घटना है, वो कोई नई बात नहीं है, केवल रिपीटेशन है. अगर रिपीटेशन समझते हैं तो हमारे व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं. तीसरी युक्ति है व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप करने के लिए मनन चिंतन हम करते रहें. मनन चिंतन से व्यर्थ संकल्पों का प्रवाह समर्थ संकल्पों की ओर बहने लगता है और जो हमारे मन में नेगेटिव संकल्प चलते हैं किसी भी विकारों से संबंधित जो संकल्प चलते हैं उन्हें नेगेटिव संकल्प कहते हैं. उसके लिए पॉजिटिविटी का चश्मा हमें पहनकर रखना है और आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है. तो धीरे धीरे नेगेटिव पॉजिटिव में परिवर्तन होंगे, व्यर्थ समर्थ में ट्रांसफर होंगे और आत्मा की जो एनर्जी लेवल है धीरे 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 बढ़ने लगेगी. साथ साथ योगाभ्यास हमें जारी रखना जरूरी है. जब बाबा से कनेक्शन होता है तो शक्तियों का कलेक्शन होना जारी रहता है. तो कैसे हम समझे हमारी स्थिति द्वापर युगी है या कलयुगी है या त्रेता युगी है, वो संकल्पों के माध्यम से आपको पता चल सकता है. अगर अभी भी कभी कभी नेगेटिव संकल्प चलते हैं, अपवित्र संकल्प चलते हैं, तो समझ लो हमारी द्वापर युगी स्थिति है. अगर हम अपवित्र संकल्पों से फ्री हो जाते हैं तो समझें त्रेता युगी स्थिति हमारी है. निरंतर हमारे मन में पवित्र संकल्पों का प्रवाह चलता रहे, शुभ संकल्पों का प्रवाह चलता रहे और बाबा से भी हमारा कनेक्शन जारी रखें तो त्रेता युग की स्थिति की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, संपूर्णता की ओर हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा समझ सकते हैं. हम देखते हैं जब से बाबा के बने हैं, 5 साल से 10 साल से 2 साल से आत्मा की बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, लेकिन वो चार जल्दी क्यों नहीं होती है, उसका कारण क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है. उसका कारण है अमृत वेले या शाम के योगाभ्यास में थोड़ी सी शक्तियां हम जमा करते हैं, लेकिन सारे दिन भर में उन शक्तियों का यूज करते हैं, खर्चा उसका होता है, इसके कारण जमा का खता हमारे पास नहीं बढ़ता है.
इसलिए आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। अभी हमारे पास समय जास्ती नहीं है, बाबा बार बार इशारा दे रहे हैं, इसलिए जल्दी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो आवश्यकता है ज्वालामुखी योगाभ्यास को बढ़ाने की। ज्वालामुखी योगाभ्यास को ज्वालामुखी योग क्यों कहते हैं? उसका कारण यह है कि जब धरती से ज्वालामुखी फटती है, उसमें जो लावा रस निकलता है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। उसके कनेक्शन में कितनी भी कठिन चीज आती है, चाहे लोहा या पत्थर भी आता है, तो सेकंड में वो पिघल जाता है, इतनी वो प्रखर लावा होती है। तो योग की ज्वाला जब धधकने लगती है ज्वालामुखी योगाभ्यास से, तो उसमें हमारे 63 जन्मों के कठोर संस्कार हैं, उसको हम जल्दी मेल्ट कर सकते हैं, उन्होंने को अंश सहित समाप्त कर सकते हैं। और दूसरी तरफ बाबा से बहुत शक्तियां प्राप्त करने से आत्मा संपूर्णता की ओर अग्रसर होने लगती हैं। तो अभी अमृत वेले के समय या शाम के समय किसी भी हालत में मुझे ज्वालामुखी योगाभ्यास करना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प हमें रखना है। तो उसके लिए ज्वालामुखी योगाभ्यास आखिर भी कैसा है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो ज्वालामुखी योगाभ्यास के लिए सबसे पहली बात है स्वयं को एकदम अशरीरी आत्मा, निराकारी आत्मा समझें। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमकते हैं, ऐसे हम इस धरती पर विराजमान चमकते हुए चैतन्य सितारे हैं। देह से न्यारा मैं हूं ज्योति बिंदु सितारा, कई बार परमधाम से मैं यहां धरती पर आई हूं और पाठ बजाकर वापस गई हूं। तो अपने निराकारी स्वरूप का साक्षात्कार अनुभव करते रहें तो बहुत गहराई की और शक्तिशाली आत्म अभिमानी की अनुभूति जरूरी है। शक्तिशाली आत्मिक स्थिति अर्थात मैं मास्टर सूर्य शक्तिवान आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ, मैं मास्टर ऑलमाइटी आत्मा हूँ, इस स्वरूप में हम स्थित होते हैं तो आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज बहुत मैक्सिमम होता है, जिससे पावर हाउस जो बाबा हैं उनसे बहुत शक्तियाँ हम स्वयं में भर सकते हैं थोड़े समय में भी। दूसरी बात है ज्वाला स्वरूप की अनुभूति करने के लिए हमेशा मन और बुद्धि ईश्वरीय नशे में चूर हो। जब मन बुद्धि ईश्वरीय नशे से भरपूर होती हैं, तो परमात्म मिलन का मजा, परमात्म मिलन का आनंद अद्भुत होता है। इसके पीछे क्या गुह्य राज हैं? जब मन बुद्धि ईश्वरीय नशे से भरपूर होती हैं, तो चित्त की वृत्तियां शांत होती हैं, जिससे एकाग्रता बहुत सहज योगाभ्यास में होती हैं। दूसरी बात, ईश्वरीय नशे से मन बुद्धि हल्की होती हैं और बाबा के तरफ स्वतः ही जाने लगती हैं।
ये सब गहराई से मनन चिंतन करके उसको अपने जीवन में स्वरूप बनकर अपनाने की आवश्यकता है। तो ऐसे हमेशा सोमानधारी जब हम रहते हैं तो सारे दिन भर में मन बुद्धि ईश्वरीय नशे से भरपूर होती है। कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर अनुभव हम करते हैं, अपने ही अलौकिक दुनिया में विचरण करते हैं। इसलिए योगियों की आंखें हमेशा आधी खुली दिखाते हैं, पूरी खुली नहीं दिखाते हैं, पूरी बंद भी नहीं दिखाते हैं, आधी खुली दिखाते हैं। क्योंकि योगी आत्माएं बहुत दूर अपनी अलौकिक दुनिया में अपने इष्ट की याद में हमेशा खोए रहते हैं। तीसरी बात है, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास के लिए बहुत गहराई की और शक्तिशाली परमात्म अनुभूति करते रहना जरूरी है। बहुत गहराई की अर्थात परम धाम में हम बाबा के पास बहुत समीप जाकर बैठे और बाबा के स्वरूप को बहुत समीपता से देखें। बाबा का जो स्वरूप है सत्यम शिवम सुंदरम जो गायन है वो बहुत समीपता से अनुभव करें कि कितना प्यारा बाबा का स्वरूप है। उनके जैसा सुंदर तीनों जहां में कोई नहीं है। तो बाबा की सुंदर छवि जैसे चकोर चंद्रमा को देखता रहता है और झूमता रहता है, ऐसे हम सूरजमुखी बनकर उस ज्ञान सूर्य को देखते रहें और उनकी सुंदरता को बहुत एंजॉय करें, बस देखते रहें। ताकि हमारा दिल गाए तू सूरज मैं सूरजमुखी हूं पिया, तू सूरज मैं सूरजमुखी हूं पिया, न देखू तुझे तो लागे न ये जिया। एक पल भी अगर तुझे नहीं देखता हूं तो ये जिया मेरा नहीं लगता है। तो ऐसा बाबा का सलोना स्वरूप हमारे आंखों के सामने घूमता रहे। जो बहुत प्यारी चीज होती है वह हमारे आंखों में बसती है। माँ कहती है मेरा बच्चा मेरी आंखों का तारा है, बहुत प्यारा है। तो बाबा से बढ़कर इस दुनिया में और हमारा प्यारा कोई नहीं है। तो हमारे तीसरे नेत्र में मैं और बाबा ही हो। तीसरे नेत्र में अगर कोई तीसरा आ गया तो तीसरा नेत्र बंद हो जाता है, वो काम नहीं करता है। इसलिए तीसरे नेत्र में किसी को भी हमें नहीं बसाना है, केवल मैं और बाबा ही हो। तो बस ऐसे होलीएस्ट और हाईएस्ट प्लेस में परम धाम रूपी पीस पैलेस में बाबा मेरा साजन है, मैं आत्मा रूपी सजनी हूं और ऐसा समीप बैठकर उनके प्यार में हम खो जाएं। कहते हैं जब तक प्यार में लीन नहीं होते हैं तब तक आत्मा क्लीन नहीं होती है। प्रभु प्रेम में डूब जाएं, समा जाएं। समझा? तो प्यार के सागर के तले में चले जाएं, कंबाइन हो जाएं, वननेस की अनुभूति करें। क्योंकि बाबा एक तरफ प्यार के सागर हैं, दूसरे तरफ शक्तियों के सागर हैं। तो प्रेम स्वरूप स्थिति ऑटोमेटिक शक्तिशाली स्थिति में ट्रांसफर होती है। इसलिए लव में लीन प्रभु प्रेम में खो जाने का अभ्यास हम बढ़ाएं। हमारे दिल की दुनिया में बस
बाबा दिलाराम ही हो, और हमारे दिल रूपी तख्त पर किसी को बैठने का अधिकार नहीं है, केवल बाबा को ही है, ऐसा अनुभव करें। दूसरी बात है, शक्तिशाली बाबा का स्वरूप देखें। जैसे अर्जुन को अनुभव हो रहा था, अर्जुन ने वर्णन किया कि ये जो साकारी सूर्य है इससे हजारों गुना परमात्मा का स्वरूप प्रखर है, तेजोमय है। उसको भावना में आकर उसने कहा, अर्थात परमात्मा का बहुत शक्तिशाली स्वरूप, प्रखर स्वरूप हमें देखना है और बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना है, उनके सानिध्य में बैठना है और ज्ञान सूर्य की रोशनी में तपते रहें और इसी तपस्या में खोए रहें। तो बाबा का ऐसा शक्तिशाली स्वरूप देखे भी और अनुभव भी करें। अभी चौथी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ज्वाला स्वरूप योग का जो गुह्य राज है वो उसमें समाया हुआ है। स्थूल सूर्य में इतनी ऊर्जा होती है, बहुत ऊर्जा होती है, लेकिन डायरेक्ट अगर कागज का टुकड़ा हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो वो जला नहीं सकता है, उसके लिए आवश्यकता है लेंस को प्रयोग में लाने की। जब लेंस सूर्य की रोशनी में कागज के ऊपर पकड़ते हैं तो सूर्य की किरणें उस लेंस पर पड़ती हैं और उससे जब पास होती है तो बहुत प्रखर होती हैं, और वो प्रखर किरणें एक बिंदु पर एकाग्र होती है तो प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और अग्नि का रूप लेती है। अगर वो लेंस थोड़ा भी हिल जाता है, उसमें एकाग्रता नहीं होती है, तो अग्नि उत्पन्न नहीं हो सकती। तो ऐसे ही ज्ञान सूर्य बाबा को बुद्धि के द्वारा देखें तो बुद्धि रूपी लेंस से बाबा की जो किरणें हैं, प्रखर शक्तियों की किरणें पास होती जाएगी और पूरी एकाग्रता के साथ आत्मा पर केंद्रित हो जाएगी तो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी और योग की ज्वाला धधकने लगेगी और उस प्रखर योग की अग्नि में हमारे कठोर संस्कार मेल्ट हो जाएंगे। तो बुद्धि रूपी लेंस को हमें बहुत नीट रखना है, क्लीन रखना है, उसका फोकल पॉइंट जो है बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करना है, तो अमृत वेले बहुत अच्छी तरह से पूरी एकाग्रता के साथ उस ज्ञान सूर्य को देखते रहें ताकि हमारी आत्मा में अथाह शक्तियाँ भरती रहेगी और शक्तियों से हम संपन्न होते जाएंगे और धीरे धीरे आत्मा की जो लेवल है शक्तियों की वो बढ़ती जाएगी। हम सभी ने बहुत अच्छी तरह से एकाग्रता के साथ ये योग का अभ्यास किया है, शास्त्रों में इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। उसका उदाहरण ये बताते हैं, गुरुजी द्रोणाचार्य अर्जुन को और सहपाठियों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। एक दिन उन्होंने उनके परीक्षा लेनी चाहिए, उस दिन क्या किया, वृक्ष पर आर्टिफिशियल पंछी को टांगा और उनकी आंखों में जो पुतली होती है, आई बॉल होता है, उस पर तीर मारने के लिए लक्ष्य दिया अर्जुन को। तो अर्जुन को पूछा गया, क्या दिखाई देता है? तो अर्जुन ने कहा, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, केवल पंछी की आंख में जो पुतली है वही नजर आ रही है, आंख भी नजर नहीं आ रही, केवल वो ब्लैक आई बॉल जो पुतली है वही नजर आ रही है। फिर उसने तीर मारा, लक्ष्य को भेदा और पांच भी तानर हो गया। ये कोई अर्जुन होकर नहीं गया है, ये सारे अर्जुन यहां बैठे हैं, तालियां तो बजाओ। ऐसी एकाग्रता संभव है, कलप कलप हमने ऐसा अभ्यास किया है, केवल आवश्यकता है दृढ़ता की।
केवल आवश्यकता है आत्मविश्वास की, केवल आवश्यकता है साहस की। अगर पूरे दृढ़ता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ हमेशा अभ्यास करते हैं तो ज्वालामुखी योगाभ्यास की बहुत अच्छी अनुभूति हमें होकर ही रहेगी और हमारी उन्नति तेजी से संपन्नता की ओर, संपूर्णता की ओर आगे बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि हमें आगे आने वाले समय में बहुत आत्माओं की सेवा करनी है, अनेकों को शक्तियों का दान देना है। इसलिए हमारे पास शक्तियों की संपन्नता बहुत अच्छी तरह से हो। हम सागर के बच्चे हैं, शक्तियों के सागर के, और हमारे पास अगर शक्तियों का स्टॉक नहीं होगा तो ये शोभा नहीं देता है। तो बाबा चाहते हैं मेरा हर एक लाल जो है माला माल रहें और मेरा नाम रोशन करें। तो श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा हमें बाबा का नाम रोशन करना है। तो बहुत अच्छी तरह से एकांत में बैठकर पूरी एकाग्रता से बाबा को हमें देखना है और ज्ञान सूर्य से अथाह शक्तियां आत्मा में भर रही हैं, उसमें हम खो जाएं, उसी अनुभूति को बार बार बढ़ाते चले। साधारण योगाभ्यास से क्या होता है, पुराने संस्कार नरम भी होते हैं, गर्म भी होते हैं, लेकिन मेल्ट नहीं होते हैं, परिवर्तन नहीं होते हैं। परिवर्तन का अर्थ है परी जैसा वर्तन, फरिश्तों जैसा व्यवहार। तो बाबा हमारी स्थिति, फरिश्ता स्थिति देखना चाहते हैं, इसलिए ज्वालामुखी योगाभ्यास को हम बढ़ाते चले और बहुत अच्छी तरह से उन्नति के शिखर पर, सफलता के शिखर पर पहुंच जाएं। तो इस अभ्यास को बढ़ाते रहे बस। लेकिन आवश्यकता है मीरा जैसे लगन की। मीरा को जैसी लगन थी कृष्ण के पीछे, तो घड़ी का साक्षात्कार हुआ, मीरा उसके पीछे पागल हो गई। हमें साक्षात्कार नहीं हुआ लेकिन साक्षात भगवान मिल गए। केवल साक्षात भगवान नहीं मिले हैं लेकिन उनके पालना में हम पल रहे हैं, चल रहे हैं, और हमें सारे खजानों से वो भरपूर कर रहे हैं। ऐसे भाग्यशाली आत्मा, इतना प्राप्तियां हमें बाबा से हुई हैं, तो जो लगन मीरा को थी उससे कई गुना लगन जो हैं हमें बाबा के प्रति सदा लगी रहे। तो लगन की अग्नि प्रज्वलित होगी तो योग की अग्नि बहुत प्रखर होगी। तो मीरा कृष्ण मैं बन चुकी थी, हमें शिव मैं बनना है। बस उठते बैठते सोते जागते बस शिव ही दिखाई दे, बाबा ही दिखाई दे, उसके हम दीवाने बन जाएं, उसके पागल प्रेमी बन जाएं। योगी माना प्रभु के पागल प्रेमी आत्माएं, बस उसके पीछे पागल हो जाएं, चलते फिरते उठते बैठते वही नजर आए। तो ऐसी सुंदर अनुभूति हम अभी थोड़े समय के लिए करेंगे। बोलो करना चाहते हैं, हाथ उठाओ जो करना चाहते हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य मंदिर में मैं आत्मा रूपी शालिग्राम विराजमान हूं।
में अति सूक्ष्म चमकता हुआ जगमगता हुआ दिव्य सितारा हूं दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है
Shanti, Shanti.